कि नवरात्रि में कौन से काम नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हम सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नवरात्रि में व्रत रह करके हम ऐसा कार्य करते हैं तो हमारा व्रत जो है खंडित तो हो जाता है, इससे माँ हमसे नाराज हो जाती हैं। इसलिए पहले ये जान लीजिए, अगर आप भी व्रत रख रहे हैं, आप व्रत रहने वाले हैं, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। कहते हैं कि नवरात्रि का जो व्रत कर रहा है उसे ज़मीन पर ही सोना चाहिए। देखो, आप कोई भी व्रत करते हो निष्ठा के साथ में, श्रद्धा के साथ में अगर आप व्रत करते हैं तो उस दिन जमीन पर ही सोना चाहिए। जमीन पर सोने का सुंदर नियम बनाया गया। नवरात्रि में व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो जमीन पर सोएं, बिस्तर पर, बेड पर ना सोएं। दूसरे नंबर में बार बार जलपान ना करें। आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं और व्रत का मतलब बड़े भाव से आप वहाँ बैठ करके भजन कीर्तन पूजन पाठ करेंगे, माँ जगदम्बा का आराधना करेंगे, आप जब व्रत कर रहे हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, अगर आप बार बार जलपान करते हैं तो बार बार जलपान करने से बार बार उठना पड़ता है, इसलिए ऐसा करना भी मना किया गया। तीसरे नंबर में धूम्रपान ना करें। जो लोग व्रत रहते हैं उस लोगों को धूम्रपान करना मना किया गया। भोजन नहीं कर रहे हैं, फलाहार हैं, लेकिन बीड़ी को नहीं छोड़ सक रहे हैं, गुटखा को नहीं छोड़ रहे हैं, तो आपका व्रत कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। जिस घर के लोग नशा करता हो उस घर में भगवान नहीं आते, लेकिन आप लोग नवरात्रि के व्रत रख कर के भी नशा करते हैं तो माँ भगवती कैसे आ सकती है, माँ जगदम्बा आपसे कैसे प्रसन्न हो सकती है। इसलिए धूम्रपान भूल से भी ना करें। और चौथे नंबर में कहा कि नवरात्रि के व्रत अगर आप कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य अगर खंडित हो गया तो माँ भगवती आपसे बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती हैं और आपका व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करें। छठे नंबर में जवारे जब आप लगाते हैं उस पर पानी का छींटा जरूर मारें। सातवें नंबर में अखंड दीपक जलाएं, भाव से दीपक प्रज्वलित करें, और जहां पर आप बैठ करके आराधना कर रहे हैं, माँ का सेवा पूजा कर रहे हैं, वहां पर झाड़ू ना लगाएं। तो कैसे साफ सफाई करें, मंदिर तो नित्य प्रति साफ होना चाहिए। देखिए, मंदिर में कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। मंदिर में जहाँ भगवान के आप पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, वहाँ पर कपड़े से सफाई करना चाहिए। अगर आप इन नियम का ध्यान से पालन करते हैं तो माँ भगवती आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। जो काम नहीं करना है वो बिल्कुल आप मत करिए। जमीन पर सोइए, बेड पर मत सोइए, धूम्रपान मत करिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा। अगर ऐसे नियम का पालन आप करते हैं तो माँ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। प्यार से बोल दीजिए ना।